नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। বন্ধু, এবার বাচ্চু রায়ের হাতে বাচ্চু রায়কে মালাটা কে পড়াবে আমাকে এখনো বলেনি। আপনাদের জন্যই আমরা, আপনারা আমাকে ডাকার দরকার নেই। এখানে যে বাচ্চুরা আছে না, এরপরেও যদি আপনারা আশীর্বাদ না পায় তাহলে পার্টি করে কি হবে বলুন? কি বলছেন? সবাই আশীর্বাদ দেবেন, আশীর্বাদ দেবেন, আমার মাথায় আশীর্বাদ ভালো করে দিন। আমি নিশ্চয় কথা দিচ্ছি, লক্ষ্মীপুরের কোনো কিছু ঝামেলা হবে না, এবং যদি কাজের দরকার হয় বাচ্চুরায়ের মারফত আসবেন, আমি কথা দিচ্ছি করে দেবো সেই কাজ। একা ডাইরেক্টলি আমি করতে পারবো না, আমাদের একটা সিদ্ধান্ত। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी माँ माटी मानव सरकार के लिए कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़े, जितने हमारे पुराने कर्मी हमारे पुराने नेता उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़े, और इस बार
2021 में हमारे विधानसभा इलेक्शन में इंशाअल्लाह हमारी बहुत ही अच्छी से हम काम करेंगे और हमारा जीत भी होगा। ये यकीन है कि बंगाल में फिर से हमारी वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बन के आ रही है, क्योंकि हमारी ममता बनर्जी ने उन्नयन किया है, काम किया है, इसी के बदौलत हम लोग वोट पाएंगे। और TMC जिस तरह से हमें जो दायित्व दिए, हम पूरी मेहनत और लगन से ईमानदारी के साथ इस पार्टी का हम काम करेंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस का उल्टी ब्लॉक में खास करके बहुत ऐसी बातें आ रही, खबर निकल करके कि अभी पार्टी में बहुत ऐसा फूट चल रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी ऐसी बहुत सारी खबरें आपको जो हमारे नेता है बीजेपी के नेता है वही सब ये सब ज्यादा अफवाह फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोल्टी विधानसभा बहुत ही अच्छा है। हमारे जितने भी TMC के नेता है, हमारे जितने भी वर्कर है, जितने भी हमारे अधिकारी अभी जिन उस सब के सब हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। आने वाला विधानसभा इलेक्शन में आप लोगों को खुद देखने को आएगा कि हमारे कोल्टी विधानसभा को इस बार विजय हासिल होगा। हमेशा की तरह इस बार हमें विजय हासिल होगी। और बीजेपी के लोगों का बस यही काम है, एक दूसरे में लड़ाई लगाना, अफवाहें फैलाना। जो आज इस बार विधानसभा इलेक्शन जो है ने आपको कुल्टी टाइगर का उपाधि दिया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पच्चीदास सीनियर नेता है, अब उन्होंने कह दिया तो शायद मेरे भी कुछ नजर आया, तभी उन्होंने कहा है कोशिश करेंगे। उन्होंने जो कहा उस पर खड़े उतरे और पार्टी के लिए हम अच्छा से अच्छा काम करेंगे। लेकिन इससे पहले तो MLA उज्जल चटर्जी का कुल्टी का टाइगर कहा जाता था, लेकिन आज आपको उसको उपाधि दिया गया है। TMC के जितना नेता है सब टाइगर, चाहे वो उज्जल चटर्जी हो, चाहे मुलायम घाटक हो, या जतिंदर तिवारी हो, या विधान उपाध्याय हो, सब के सब TMC के टाइगर नेता है जो आने वाला दिनों में आपको नजर आएगा। तो इस बार विधानसभा चुनाव में कुल्टी से विधायक टिकट में कौन खड़ा होगा? देखिए, अभी हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है, जो भी खड़ा हो हमें सिर्फ ये देखना है हमारे TMC के सिंबल पर है, उन्हें जिताना है। धन्यवाद। कुल्टी प्रेसिडेंट होने के बाद आपको कैसा महसूस अभी हो रहा है? देखिए, हम क्या महसूस कर रहे हैं, जिस तरह तृणमूल कर रहा है, हम तृणमूल को पैदा किया है, लेकिन हमारा भाग को खराब हुआ है। इतना दिन बाद हमारा मिला है कभी तो छोड़ा नहीं। हम चाहता है जितना पार्टी छोड़ दिया बैठ गया उन लोग को साथ मिलने के एक साथ में वह लड़ाई करेगा। हम तृणमूल कांग्रेस से आने वाले विधानसभा की आने वाले विधानसभा चुनाव की क्या तैयारी है? आने वाला चुनाव में प्रचार कर दिया, हमको मीटिंग शुरू कर दिया, ऑलरेडी दूसरा वो कर दिया, चौथी तारीख का कोई में है, बराबर में है, कुर्सी में है, हम लोग प्लेटफॉर्म में और ही कहीं में दूर पावर मिला कितना मिल रहा इतना सोच लीजिए। बीजेपी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग का कैंडिडेट जीतेगा जीतेगा जीतेगा, कोई भी खड़ा हो। আঞ্চলিক কমিটি জিনা বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম মামাটি মানুষ জিনা সম্বর্ধনা দেবে পুষ্পস্তবক দিয়ে বুড়া খান করতালি দিয়ে ওনাকে সম্বর্ধনা জানান। বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম মামাটি জেলার যুব সম্পাদক রাজা খানকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন আকাশ নরেশ ফতু বিনোদ গোবিন্দা যুবা রাজা খান রাজা খান জিরা বাদ রাজা খান কে জিরা বাদ
इनके कार्यशैली को देखते हुए, इनके मेहनत को देखते हुए, इनके स्वभाव को देखते हुए हमारे पश्चिम बंगाल के सभापति रुपेश यादव दिया इनका स्वागत तालियों से किया जाए। एक बार मैं दुखी तो हमार ठीक ये अगर आसुन हमारे मेरा इधर घूम गई है साहब। सम्मान जनाबे पवन सिंह सबाई के धन्यवाद जाना है। महामारी के वक्त अभी भी कोविड-19 का ही वक्त है, जो एक मेहनत करके गरीबों के बीच है। इसके लिए हम लोग सभी जो कर्मी है या जो पार्टी करते हैं दिल से उनका स्वागत करते हैं। और आने वाला कल अरमान खान के नेतृत्व में संगठन और भी मजबूत होगा। उम्मीद है विधानसभा निर्वाचन में हम लोग आपस में तालमेल बनाकर हम लोगों का एक ही मकसद रहेगा कि विधान उपाध्याय को भारी मतों से विजय बनना। आज के अनुष्ठान बोल आज के हमारे अनुष्ठान छिलो हमारे जे अरमान खान के सेकेंड बार जे ब्लॉक प्रेसिडेंट कोरा हुए छे उनके हमरा मुबारकबाद सर्वदना और उनके हमरा सम्मान टा कल्याणी श्री आंचलिक कमिटी तेरे को जाना होगा। आज हमारे साथे आछे हमारे समिति सभापति फाल्गुनी कर्मकार समिति हमारे उपसभापति विद्युत मिश्रा हमारे देंदुआ पंचायत उप प्रधान रंजन दत्त और हमारे की बोलबो एटा एकटा बाबार खुशी बोलुन बा एकटा आंचलिक कमिटी सभापति पक्ष थेके बोलुन एकटा आमार छेले एकटा पद पेयेछे ए आपनादेर सबाइर आशीर्वादे राजा खान के आमादेर पश्चिम बर्धमानेर सभापति रूपेश यादव একটা বিশ্বাস করে ওনাকে একটা সেক্রেটারি যে পদটা দিয়েছে এ নিয়ে আমি সবাইকে সবাইকে খুব খুশি খুশি সম্মান জানাচ্ছি। আর সবাই আর আমি ভাবছি সব ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক।